वेलकम टू माय चैनल टॉप टेक्नोलॉजी। टॉप टेक्नोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एमएस वर्ड में 25 ट्रिक। मात्र 10 मिनट में आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ 25 ट्रिक, जो ट्रिक अब तक आपने कहीं नहीं देखा होगा, ना सुना होगा, ना ही आपने देखा होगा, और आप मेरे साथ सीख सकते हैं मात्र 10 मिनट में 25 ट्रिक। मैं आपको बता रहा हूँ मात्र 10 मिनट में 25 ट्रिक, और एमएस वर्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट सब ट्रिक, लाइन बनाने का ट्रिक, एरो बनाने का ट्रिक, आप अपने पिक्चर को किस तरह से बुलेट बना सकते हैं उसका ट्रिक। तो मेरे साथ आइए, जुड़िए और देखिए हमारे YouTube चैनल को, एमएस वर्ड में ट्रिक ही ट्रिक, मात्र 10 मिनट में 25 ट्रिक। अब वीडियो स्टार्ट कर। आज का टॉपिक है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और आज आप बिल्कुल नया नया चीज़ सीखेंगे अब तक जो आपने नहीं सीखा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लाइनिंग के लिए। अगर आपको एक लाइन बनाना है, एक लंबी लाइन सीधी रेखा का खींचना है, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है माइनस। माइनस का बटन है आपके कीबोर्ड में, 3 बार हम लोग माइनस बटन को प्रेस करेंगे और एंटर बटन को दबा देंगे। जैसे हम ऐसा किए तो देख सकते हैं आप, एक लाइन हमारा खींच गया। वन सेकेंड, 3 बार माइनस को दबाए और एंटर बटन को दबा दिए, हमारा लाइन खींच गया। अगर आप लाइन के थिकनेस को बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा सा मोटा करना चाहते हैं, तो उसके लिए दूसरा प्रोसेस है, शिफ्ट के साथ अंडर स्कोर दबाएंगे 3 टाइम्स और इंटर बटन को दबा देंगे। अब देखिए, आप देख सकते हैं ये जो हमारा सेकेंड वाला लाइन है, थर्ड वाला लाइन है, ये थोड़ा सा इसका थिकनेस बढ़ गया, मोटा हो गया। यदि आप 2 लेयर में लाइन चाहते हैं तो उसके लिए 3 टाइम्स इक्वल टू का साइन हम प्रेस करेंगे और इंटर बटन को दबा दिए। आप देख सकते हैं ये 2 लाइन्स में आपका लाइन आ गया, इसका थिकनेस भी मोटा हो गया। यदि और आप 3 लेयर का लाइन चाहते हैं तो आपके कीबोर्ड में एक हैश होता है, 3 टाइम्स हैश को प्रेस किए और इंटर बटन प्रेस कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं ये 3 लाइंस का थिकनेस के साथ हमारा बन गया, एक लाइन खींच गया। अगर आप जिगजैग का लाइन लेना चाहते हैं तो शिफ्ट बटन के साथ टिल्ट को 3 बार प्रेस करेंगे, टिल्ट 3 टाइम्स हमने प्रेस किया और एंटर बटन दबा दिया। अब आप देख सकते हैं ये जिगजैग का लाइन हमारा बन गया। कॉपीराइट सिंबल अगर आपको बनाना है तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, ब्रैकेट लेंगे, सी लिखे, चाहे आप स्मॉल सी भी ले सकते हैं या कैपिटल सी भी ले सकते हैं, फिर ब्रैकेट को बंद करते हैं और आपका ये कॉपीराइट का सिंबल बन गया। फिर आगे हम बात करेंगे ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का भी सिंबल यदि आप बनाना चाहते हैं, बस ब्रैकेट लेंगे, की और एम लिखेंगे, आप स्मॉल भी यूज कर सकते हैं, आप कैपिटल भी यूज कर सकते हैं, और जैसे हमने ब्रैकेट को क्लोज किया, हमारे ये ट्रेडमार्क का सिंबल बन गया। अब रजिस्टर्ड का सिंबल बनाने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ब्रैकेट लेंगे, आर लिखेंगे, कैपिटल या स्मॉल कुछ भी, और इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ये हमारा रजिस्टर्ड का सिंबल आ गया। अब इसमें आप चाहें तो एरो भी बना सकते हैं। एरो बनाने के लिए, लेफ्ट एरो के लिए हम यहाँ पे लेते हैं लेस देन और डबल प्रेस किए माइनस सिंबल को, ये हमारा बन गया लेफ्ट एरो। राइट एरो बनाना हो तो डबल टाइप करेंगे माइनस को और ग्रेटर देन को हमने प्रेस कर दिया, ये हमारा राइट एरो बन गया। इसी तरह से यदि आप थोड़ा सा थिकनेस में मोटा लाइन चाहते हैं, थिकनेस बढ़ा हुआ होना चाहिए एरो का, तो उसके लिए इक्वल टू और राइट को प्रेस कर दिए, ग्रेटर देन, हमारा थिकनेस बढ़ गया एरो का। फिर उसी तरह से लेस देन और डबल इक्वल टू को हमने प्रेस किया,
ये हमारा बन गया राइट एरो। इसी तरह से यदि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखना चाहते हैं तो फर्स्ट लिखिए और इसके साथ एस और टी लिख देंगे और स्पेस बटन को दबाएंगे, यहाँ पे आ गया फर्स्ट। सेकंड लिखना है टू लिखेंगे, एन और डी प्रेस किए, स्पेस हो गया सेकंड। थर्ड के लिए थ्री लिखे, आर और डी प्रेस किए, आ गया थर्ड। फोर्थ के लिए हम यहाँ पे फोर लिखे और टी एच लिखिए, आ गया फोर्थ। हमको लिखना है फिफ्थ, 31, 31, 3 और 1 लिखे, एस और जी कर दिए, ये आ गया 31। इस तरह से हम लोग कुछ भी चाहें तो ये बहुत सारा डिफॉल्ट दिया हुआ रहता है। आज कुछ ट्रिक हम आपके साथ साझा किए। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है किसी भी मैथमेटिकल मैथमेटिक्स में इसका यूज ज्यादा होता है। आपको लिखना है वन वन अपॉन टू, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है, हम यहाँ पे वन लिखे, स्पेस डालेंगे, फिर वन स्लैश टू कर दिए और एंटर। जैसे इतना की देखिए, आप देख सकते हैं वन इज टू वन अपॉन टू हो गया। इसी तरह से वन स्पेस वन स्लैश फोर डाले तो वन बाय फोर आ गया। इसी तरह से थ्री स्पेस वन अपॉन फाइव कर दिए और एंटर दबा दिए, तो ये हमारा आ गया स्लैश फाइव और एंटर स्लैश। तो इस तरह से हम चाहें तो बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। थ्री स्पेस थ्री स्पेस वन स्लैश फोर, वन बाय फोर आ गया। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में बहुत ही आसानी से। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नंबरिंग, नंबर लिस्ट बनाना। तो नंबर लिस्ट के लिए हमने यहाँ पे वन लिखा, डॉट लगाया और टैब बटन को प्रेस कर देंगे। अब इसके बाद जो कुछ भी हम लिखेंगे वो सब आप देख सकते हैं, नंबर लिस्ट आएगा। जैसे सपोज कीजिए अनुमेहा हमने लिखा, इंटर किया, नंबर टू आ गया। हमने अर्णव लिखा, इंटर किया, थ्री आ गया। हमने आनंद लिखा, एंटर किया, फोर आ गया। तो इस ट्रिक से आपको मेनू में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप बुलेट लेना चाहें तो बुलेट के लिए भी ग्रेटर देन सिंबल को दबाएंगे और टैब बटन को दबा दिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बुलेट आ गया। हमने लिखा सोना, इंटर, मोना, इंटर, रीना, इंटर। इस तरह से आप देख सकते हैं हम शॉर्टकट के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे नंबर भी के साथ साथ बुलेट भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ और भी ट्रिक हम आपके लिए लेके आएंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद आ गया, यदि बुलेट में आप कोई पिक्चर डालना चाहें तो आप पिक्चर को भी बुलेट बना सकते हैं। तो उसके लिए हमको इंसर्ट जाना पड़ेगा, इंसर्ट पे पिक्चर कमांड है, पिक्चर को क्लिक किए और इस जगह से हम लोग कोई भी पिक्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी पिक्चर को आप बुलेट बनाना चाहें आप बुलेट बना सकते हैं। हमने इस पिक्चर को सेलेक्ट किया और इंसर्ट किया। ये पिक्चर अभी आप देख सकते हैं बहुत बड़ा है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बुलेट के साइज में ले आए और इस जगह पे हम दबा देते हैं टैब बटन। अब हम यहाँ से जो भी लिखेंगे और इंटर करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पिक्चर बुलेट कैसा काम करने लग गया। तो किसी भी पिक्चर को आप बुलेट भी बना सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारा ट्रिक आज हमने इस सेशन में आपको बताया और निश्चित रूप से काफ़ी यूजफुल सारा ट्रिक था। अगर ये सारा का सारा ट्रिक आपको पसंद आया हो, हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो जल्द से जल्द आप
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और यदि मेरे चैनल के लिए आप नए हैं, पहली दफ़ा आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो फटाक से सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी के साथ अगले वीडियो में आपके लिए मैं बहुत सारा और भी ट्रिक लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए